किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज आपको बताएंगे कि सोलर से ट्यूबवेल किस तरीके से आप चला सकते हैं, क्या इसका मतलब लगाने का तरीका होता है, किस तरीके से आप इसे लगवा सकते हैं और क्या इसकी गारंटी वारंटी होती है। हम सर से इसकी सारी जानकारी लेंगे किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार सर। हमने सामने जो किसान भाई देख रहे हैं, सबसे पहले उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय, अपनी कंपनी का एक छोटा सा परिचय करा दीजिए। बेसिकली ये शक्ति पंप्स है, हम देश के लिए पंप बनाते हैं, विदेशों में भी हमारा सप्लाई होता है, 125 देशों में हम लोग सप्लाई करते हैं जी। इन हाउस हमारा प्रोडक्शन है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हमारा कोई किसान भाई से लगवाता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से काम करता है। ये बेसिकली एक सरकारी स्कीम है, पीएम कुसुम योजना, घटक भी कहलाता है ये सरकार का। अच्छा, पीएम कुसुम सब्सिडी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार का ये संयुक्त स्कीम है, योजना है। इसमें 75% सब्सिडी दी जाती है किसान को जी। इसमें किसान का 25% शेयर होता है, अलग अलग कैटेगरी में जैसे किसान की जो जरूरत होती है उस हिसाब से वो ले सकता है, 3 HP से लेके 10 HP तक। अच्छा, वो किसान भाई के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है वो कितने भी HP का, मतलब उसमें खेती किस टाइप की उसको जरूरत है। तो सब्सिडी मतलब हर जगह अलग अलग है या फिर मतलब सब जगह से? केंद्र सरकार की एक सिंगल सब्सिडी रहती है लेकिन स्टेट वाइज अलग अलग होती है। अच्छा, स्टेट वाइज अलग अलग है। जैसे पंजाब में अलग मिलेगी, हरियाणा में अलग मिलेगी। हरियाणा में 75% सब्सिडी दी जाती है, 25% किसान का अंश होता है इसमें। तो इसका लगवाने का प्रोसेस क्या होता है? सिंपल सा प्रोसेस होता है इसमें, किसान को ऑनलाइन आवेदन करना रहता है, सरल केंद्र पे जाके, सरल पोर्टल पे किसान आवेदन करे, किसी केंद्र पे जाने की जरूरत नहीं है। किसान मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से कहीं से भी आवेदन कर सकता है। सिंपल आवेदन करके उसमें जो किसान की ज़रूरत है, कितने HP का लेना है, वो किसान को किसान बता दे। उस पर आवेदन करके एक स्लिप जनरेट होती है जिसके थ्रू वो फार्मर शेयर भर देता है। और ये ज़रूर याद रखना है किसान को कि शक्ति पंप का नंबर पहले पे उसने चूज़ करना चाहिए। क्यों चूज़ करना चाहिए? कंपनी तो बहुत सारी है सर, शक्ति पंप ही क्यों ले हमारा किसान? सर मैं बताना चाहूँगा, अब तक जो पूरे हिंदुस्तान में शक्ति पंप का सबसे ज़्यादा कुसुम योजना में लगे हुए पंप है, हरियाणा में हमने तकरीबन 50,000 पंप लगाए हुए हैं कुसुम योजना के अंतर्गत, सबसे ज़्यादा सप्लाई है। और किसान का भरोसा होता है, किसान का भरोसा शक्ति पर है। हम लोग अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छे गुणवत्ता के पंप बनाते हैं, अच्छी हाई टेक्निक के थ्रू हम इसका डेवलपमेंट करते हैं जी। तभी जाके किसान पहले नंबर पे शक्ति को चूज करता है, क्योंकि सर्विस भी उसे एट ए टाइम मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है मोबाइल से भी चलता है। अच्छा, मोबाइल से भी आप ऑपरेट कर सकते, घर बैठे वो किसान ऑपरेट कर सकता है। तो इसके साथ कितने HP का सोलर पंप, मतलब कितने HP तरीके से? इसमें जैसे 10 HP का अगर किसान लगाता है तो 9000 वाट तक सोलर प्लेटें लगती है। अच्छा, 9000 वाट तक सोलर प्लेटें लगती है। 17 प्लेटें हम लगाते हैं, ये मोनोपर्क होती है, नई तकनीक है, सरकार ने इस बार नई तकनीक होती है, ज़्यादा एफिशिएंट होती है, कम धूप में भी चल जाता है। तो अब हमारा किसान भाई इसके लिए अप्लाई कर देगा, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है आगे का? उसमें किसान जब चयन करता है कंपनी का पहले नंबर पर शक्ति, उसके बाद जो फार्मर शेयर की एक रिसिप्ट जनरेट होती है वो उसे बैंक में जमा करनी रहती है, और कंपनी उसे उसका वेरिफिकेशन कर लेती है साइट सर्वे करके, उसे ओके करके, और 1.5 से 2 महीने के अंदर उसका लग जाता है। 1.5 से 2 महीने के अंदर लग जाएगा, सरकार उसे वेरीफाई करके जो भी सरकार की प्रोसेस होती है वो पूरी करके आगे बढ़ती है। अच्छा, तो किसान भाई के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने HP का लगवाता है या फिर उसे ज़रूरत किस हिसाब से है, उसकी क्रॉप क्या है, कितना पानी चाहिए, कितना एकड़ ज़मीन है, ये सब 3 HP से लेकर 10 HP तक हम दे सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लिखे हैं, कंट्रोल किए हुए हैं, सामान्य और यूनिवर्सल कंट्रोलर होता है ये हमारा। यूनिवर्सल कंट्रोलर का क्या फायदा है? सामान्य कंट्रोलर में किसान अपने खेती के साथ साथ दो जरूरत की चीज़ें होती है, घरेलू चीज़ें भी होती है, 3 फेज की चीज़ें वो भी चला सकता है। आटा चक्की चलाएगा, डीप फ्रीजर चलाएगा, घास कटिंग की मशीन हो गया वो भी चला सकता है। अच्छा, तो ये इस टाइम ये सोलर से चली हुई है, जो आपने यहाँ पे मॉडल लगाया हुआ है पूरा सोलर से चला हुआ है। ये कितने 7.5 का सेटअप लगा हुआ है, 7.5 HP DC पंप लगा हुआ है। DC पंप 4 इंची पानी निकाल रहा है, 4 इंची का ये पानी इस टाइम इसमें निकाल रहा है। दोस्तों देख सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस, इसमें सोलर मॉड्यूल लगे हुए हैं, 13 सोलर मॉड्यूल इसके अंदर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इसका पूरा ये सेटअप हो गया है, 13 ये पूरा सेटअप हो गया, स्ट्रक्चर होता है ये पर्लिन, ये कंट्रोलर हमारा नीचे लगा हुआ है। ये इसमें कौन सा कंट्रोलर इस टाइम लगा हुआ है? ये कंट्रोलर ये सिंपल नॉर्मल कंट्रोलर है। अच्छा, नॉर्मल कंट्रोलर है। नॉर्मल कंट्रोलर लगवाना चाहिए या फिर यूनिवर्सल कंट्रोलर लगवाना चाहिए किसान को? लगाना चाहिए वैसे, क्योंकि उसको उसकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी उसको जरूरत किस टाइप जी। और हमारे किसान भाई आजकल जो मतलब वैसे पहली
मतलब बिजली से ट्यूबवेल चला रहे हैं, तो उनसे आप क्या सलाह देने चाहेंगे इस सोलर के बारे में? देखो, सोलर एक तो आधुनिक तकनीक है, किसान ने इसका यूज़ करना चाहिए जी। और मैं चाहूँगा कि शक्ति पंप के साथ जुड़े, क्योंकि शक्ति पंप एक हमारा टोल फ्री नंबर होता है 1800103555। इस सिंगल नंबर पे किसान को उसकी ज़रूरतों का समाधान मिलता है, जानकारी मिलती है। सोलर से रिलेटेड हो गया या फिर क्रॉप से रिलेटेड हो गया, हम अलग अलग लेवल की जानकारी किसान को पहुँचाते हैं एक सिंगल नंबर के माध्यम से। तो वो कौन सा नंबर है आप एक बार? 1800103555। अच्छा, इस पे 1800103555 इस पर संपर्क करके आप... सिंगल नंबर है, अगर कोई शिकायत आती है, कोई कंप्लेंट होती है, सपोज किसी कारणवश पंप नहीं चलता है, तो सिंगल नंबर पे कंप्लेंट करके 72 घंटे के अंदर उसे समाधान मिल जाता है। कुछ वारंटी वगैरह भी मिलती है कंपनी? 5 साल की वारंटी होती है। 5 साल की वारंटी? हाँ, 5 साल की वारंटी होती है, 5 साल का बीमा होता है इसमें। और बात करनी, अगर कोई टूट फूट हो गई, जो भी अगर आपदा आती है जी, प्राकृतिक आपदा, उसके इसमें बीमा होता है। अच्छा, इसमें बीमा भी का ऑप्शन भी अवेलेबल का बीमा, चोरी से रिलेटेड भी होता है, उसको सिंपल एक FIR करवानी रहती है और उसका बीमा होके उसे जल्दी से हम लगा देते हैं। बात करें सबसे, जो छोटा मॉडल हमारा किसान भाई अगर इसका सेटअप करता है तो उसका क्या प्राइस पड़ेगा? से हाँ, 3 HP का अगर लेते हैं तो 53,000 रुपये किसान का अंश है, 25%। वो फिर डिपेंड करता है, जैसे किसान ऊपर 1,90,000 के लगभग टोटल वैल्यू है, किसान को 53,000 रुपये दे रहा है उनमें। अच्छा, ये सब्सिडी। 7.5 HP का अगर देखा जाए तो 113,000 रुपये देने हैं, 10 HP में 140,000 देने हैं। अच्छा, ये 25% अंश है। तो दोस्तों देख सकते हैं सोलर से ट्यूबवेल आज के समय में क्यों चलाना ज़रूरी है। तो दोस्तों देख सकते हैं सोलर पैनल से अगर आप ट्यूबवेल चलाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आजकल बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो किसान साथियों, आप भी इस तरफ शिफ्ट हों और सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट हों तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी इसके बारे में दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।